निसिंग के गांव अमूपुर स्थित श्री राधा कृष्ण आदर्श गौशाला के प्रांगण में गोग्रास हेतु आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक पंडित अरविंद शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि सत्संग करने से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, मात्र भक्त उनको याद करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट देना नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक रूप से भगवान की पूजा करें तो वे स्वयं उनका भला करने के लिए तैयार रहते हैं। पंडित अरविंद शास्त्री ने यह भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो खुद भी शीतल होए। उन्होंने कहा कि भ्रम जिज्ञासा, भ्रम को जानने के लिए व्यक्ति में जिज्ञासा होनी चाहिए। भ्रम संबंधी, ज्ञान संबंधी जो प्रश्न है उसको जब भी हम महापुरुषों के सामने रखेंगे तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। कथा का आयोजन गौशाला संचालक गोपाल स्वामी जी ने गो भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के भजनों से निहाल किया। गो भक्तों की ओर से गौशाला में हर रोज विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। निसिंग से संवाददाता अशोक वर्मा की रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।